लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत नहीं पाते थे, परंतु इस बार जागृति आई है। 62.5% जो सीटें हैं वो एक वर्ग विशेष ने अपने लिए जो है आरक्षित कर रखी थी, चाहे शिक्षा और चिकित्सा, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो शिक्षा का बजट है रहा है 2021 और 22 का, वो 1.8% धनराशि जो है शिक्षा के लिए रखी गई। एक मंत्री को छोड़ करके पूरे कैबिनेट में कोई अनुसूचित जाति का मंत्री नहीं है। इंदिरा गांधी को मजबूर होकर के जो है कैबिनेट की संख्या बढ़ानी पड़ी। जो हमारे मार्गदर्शक हैं श्री बी सुरैया जी, उन्होंने आज से 2 साल पहले ही जो चीज़ें आगाह की थी, जो है लोग सुन नहीं रहे थे उनकी बातों को, परंतु चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो या बिहार हो, सभी जगह जनगणना की समस्या आई, जाति गणना की, और मजबूर हो करके जो है लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। और जो पिछड़े वर्गों का स्थानीय निकायों में जो आरक्षण खत्म किया गया था वो आना पड़ा। और उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक वर्ग ने 91 रेटे जो है ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए डाली गई थी। जब सर ने हम लोगों से कहा कि ढूंढो जरा इसमें बैकवर्ड के कुछ लोग हैं क्या, तो पता लगा ढूंढने से भी जो है बैकवर्ड के लोग, डुबकी लगाने से भी उन 91 लोगों में एकाध लोग मिले, परंतु उन्होंने भी जो रेट दायर की थी वो नहीं थी। तो सर ने रात दिन जग करके जो है उत्तर प्रदेश के लिए, जी मोहन गोपाल जी ने, आपने जग करके स्वयं जो है वो रेट तैयार करवाई और उत्तर प्रदेश को रिलीफ मिली। सुनने में ये आ रहा है कि जो अब जो गणना हुई है उसकी रिपोर्ट कल शायद दे दी गई है, और उसमें ओबीसी है उसको अच्छा खासा जो है स्थान मिलेगा। परंतु उत्तर प्रदेश में जो एक दुखद बात है वो ये है, कहने को तो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में ही जो है उनकी जो आबादी है उस 22% अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है, परंतु 2012 से लेके 2012 में, 2017 में और 2022 में तीनों समयों पर जो स्थानीय निकायों का जो आरक्षण है वो अनुसूचित जाति का 10.5% आरक्षण जो है बजाय 22.5 के जो है 10.5% आरक्षण दिया गया है, और इसको किसी ने भी जो है चैलेंज नहीं किया। तो आज ये स्थिति है कि खुलेआम जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो है, इसलिए गणना जरूरी, जबकि अनुसूचित जाति की जनगणना होती है इसके बावजूद जो है। और मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं 2012 के, 2017 के और 2022 के, 62.5% जो सीटें हैं वो एक वर्ग विशेष ने अपने लिए जो है आरक्षित कर रखी थी, चाहे वो महिलाओं के नाम पे की हो, और जो उनका 50% अनरिजर्व सीटें उनमें वो 62.5% जो है कुल मिलाकर के जो है लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत नहीं पाते थे, परंतु इस बार जागृति आई है। तो ये जो न्याय और अधिकार की बात है ये तो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। वैसे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन की ओर से ये एक पत्रक आपको बांटा गया है, और जो भी मैं बात करूंगा इसी से संबंधित करूंगा, क्योंकि पत्रक तो याद बांटा गया है, सर ने 3 साल पहले भी जो है बातें जो रखी थी उन्हीं बातों को मैं दोहराना चाहूंगा। जैसे हमारे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन ने कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये सुरैया साहब ने बहुत पहले जो है कह दिया था कि शिक्षा और चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए, इसकी मैं कुछ आंकड़े आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2021 और 22 का जो बजट है वो करीब 33 लाख करोड़ का जो है पूरे देश का बजट है, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उस बजट में जो चिकित्सा और शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जो रखा गया है 2.4% धनराशि जो है केवल पूरे बजट की जो है चिकित्सा के लिए रखी गई है, जबकि चिकित्सा के लिए जो अर्थशास्त्रियों का मत है कि कम से कम जो है 5% धनराशि चिकित्सा के लिए जो है खर्च होनी चाहिए, परंतु देश के बजट में केवल और केवल जो है 2.4% जो है चिकित्सा के लिए रखी गई है। इसी तरीके से जबकि शिक्षा के लिए कम से कम जो लोगों की जरूरतें होती हैं वो 10% धनराशि की जरूरत होती है। और यहीं पर मैं एक चीज और बता दूं कि इस देश में 33 लाख करोड़ का जो बजट है उस बजट का 14% भाग जो है 14% धनराशि बट्टे खाते में डाली गई है। ये भी एक बड़े दुख की बात है, 14% धनराशि और 50 लोगों की जो है 50 जो पूंजीपति है देश के उनकी भी धनराशि सम्मिलित है, और वो 50 पूंजीपतियों को करीब 2.5% धनराशि है जो बट्टे खाते में डाली गई। शायद उसकी वसूली बैंक वाले बैठे होंगे, वो जानते हैं हो पाएगी या नहीं। तो स्थिति यह है कि हमारे जो आर्थिक परिस्थितियां हैं कि जो धनराशि हम लोगों को मिलनी चाहिए, जो धनराशि चिकित्सा में जो है अगर 10% की धनराशि है और जो 14% धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई है उसको चिकित्सा में खर्च किया जा सकता था, उस धनराशि को शिक्षा में खर्च किया जा सकता था, वो नहीं किया गया। शिक्षा में भी जो है लगभग जो 2% धनराशि है उसमें जो ICTS की 2% धनराशि थी उसको मिला करके अब कह रहे हैं कि हम इस धनराशि को बढ़ा देंगे। अरे क्या बढ़ा दूंगे, वो तो ICTS की धनराशि मिला करके, जबकि जो अगर जो पूंजीपतियों की धनराशि केवल सरकार उनकी वसूली कर दे अच्छी तरीके से तो 14% धनराशि बच जाएगी, और उससे बहुत सारे हमारी जो शिक्षा की बातें हैं, उच्च शिक्षा की बातें हैं, चिकित्सा की बातें हैं, लोगों को जो है भोजन व्यवस्था की बातें ये सब हो जाएंगी। तो ये सरकार उस तरीके से नहीं करती, चुप्पे जो है कुछ चीज़ों को कर रही है, मेरा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को रोकना है, और रोकने के लिए हमें महापुरुषों की तरफ भी देखना पड़ेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सबसे पहले जो है जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं उसको पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी में होते हुए कि इंदिरा जी आप जो है जातिवाद कर रही हैं, आपके जो है एक मंत्री को छोड़ करके पूरे कैबिनेट में कोई अनुसूचित जाति का मंत्री नहीं है, पूरे देश में जो है अनुसूचित जाति का राज्यपाल नहीं है। इसके बाद इंदिरा गांधी को मजबूर होकर के जो है कैबिनेट की संख्या बढ़ानी पड़ी और राज्यपालों अनुसूचित जात के राज्यपाल बनाए थे, जबकि स्वामी ब्रह्मानंद जी खुद बैकवर्ड के आते थे। ये होता है जो है जब हम दूसरे के लिए करेंगे तब कोई हमारे लिए भी करेगा। हमें ऐसे महापुरुषों का जो है याद करना होगा, जो है ऐसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलना होगा। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।